हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। तो स्टार्ट करेंगे इनसाइट्स ऑन इंडिया जून 2019 का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। दोबारा से आज हमारा टारगेट रहेगा 30 पेजेस कवर करने का एंड वी विल कवर 102 टू पेज नंबर 130। आफ्टर दिस ओनली 26 पेजेस विल बी लेफ्ट, सो बाई टुमारो जून का करंट अफेयर कम्प्लीट एंड देन वी विल मूव टू जुलाई करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ आप किसी भी वेबसाइट से या किसी भी ऐप से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई आप यूपीएससी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड जैसे कि वाजीराम एंड आईएएस की रवि की डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें आपको दो फ़ायदा होगा, एक तो क्योंकि देखिए आप करंट अफेयर प्रिपेयर करेंगे इनसाइट्स के, या तो आप इनसाइट्स के वो दे दीजिए क्योंकि मैंने अभी इसका ऐप देखा नहीं है। तो उसमें तो जो वाजीराम एंड रवि का है उसके अंदर तो आते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं पर डे 10 क्वेश्चंस, तो मैं उससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आप भी एक बार उसको ट्राई कर सकते हैं, वरना इनसाइट्स के भी आते हैं, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे अभी आपको ठीक लगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से। तो FSDC दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई अभी एंड इसको चेयर किया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन जी ने। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है इसे दिसंबर 2010 में बनाया गया था एंड ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि ये जो मैकेनिज्म है उसको मजबूत किया जा सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको चेयर करती हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नर RBI के, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चेयरमैन होते हैं SEBI के, चेयरमैन होते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, चेयरमैन होते हैं PFRDA के दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इसके साथ ही साथ में इसके अंदर चेयरमैन होते हैं IBBI के भी दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के भी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी को भी FSDSC के अंदर शामिल कर लिया ताकि गवर्नमेंट का फोकस डिजिटल इकोनॉमी पर भी बरकरार रह सके। जो काउंसिल है वो डील करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इशूज से, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट से, लिटरेसी से, इंक्लूजन से एंड कोई भी फंड्स, नो फंड्स आर सेपरेटली एलोकेटेड टू द काउंसिल फॉर अंडरटेकिंग इट्स एक्टिविटी। तो अलग से कोई फंड सेपरेटली नहीं दिए जाते। नाउ द फॉरगॉटन फंड, सेस क्या होती है? देखिए सेस लगता है टैक्स पे, टैक्सेबल इनकम पे नहीं, मतलब किसी भी तरीके से समझे तो जो टैक्स पेयर है इट इज इक्विवेलेंट टू अ सरचार्ज ऑन टैक्स। जो सेस है वो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे लगाया जा सकता है। सो ध्यान रखिए सेस जो है वो टैक्स पे लगता है, इनकम पर नहीं लगता। मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 है, उस पे जो टैक्स लगेगा उस पे सेस लगेगा, तो टैक्स पे सेस लगता है चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। जो भी रेवेन्यू ऑब्टेन होता है फिर इन टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, फिर उनको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जितना भी टैक्सेस एंड सेसेस का जो प्रोसीड्स होता है वो क्रेडिट कर दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टैक्स और सेस में डिफरेंस क्या है? टैक्स की तरह ना होके जो सेस है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है, जैसे एजुकेशन सेस हो गया। तो जितना भी जो टैक्स प्रोसीड्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं स्टेट्स के साथ, यूनियन टेरिटरीज के साथ, किसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग? फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। एंड जो सेस प्रोसीड्स होते हैं उनको दे नीड नॉट बी शेयर्ड विद डैम, जिसकी रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हो गया मोटर व्हीकल्स पर, क्लीन एनवायरनमेंट सेस हो गया, कृषि कल्याण सेस हो गया, एजुकेशन सेस हो गया। एंड एजुकेशन सेस 2004 में सबसे पहले प्रपोज किया गया था 2%, जिसका एम यही था कि प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। फिर 2007 में 1% और एडिशनल सेस लगाया गया ताकि सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके। 2019 में 4% कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को, जिसके अंदर 3% जो था वो एजुकेशन सेस था ही एंड इसके साथ 1% जो है वो हेल्थ ऑफ रूरल फैमिलीज का जोड़ लिया गया। इसे कैसे यूज़ किया जाता है? जो भी सेस प्रोसीड्स आएंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड फंड क्रिएट करना होगा एंड जब तक एज लॉन्ग एज डेडिकेटेड फंड इज़ नॉट क्रिएटेड तो जो सेस है वो अनयूटिलाइज्ड रहते हैं। जो डेडिकेटेड फंड है वो जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रारंभिक शिक्षा कोष दैट इज़ PSK जिसे अक्टूबर 2005 में क्रिएट किया गया था, या माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष जिसे अगस्त 2017 में सेटअप किया गया है। प्रेजेंट कंसर्न क्या है कि जो माध्यमिक और जो उच्चतर शिक्षा कोष हैं दे हैज़ बी रिमेन्ड डॉर्मेंट एज ऑफ मार्च 2018 एंड
एंड जो भी डाटा मिला है 2017-18 की एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट से भी, जिसे कैग ने किया, तो इसमें बताया गया कि 94,036 करोड़ ऐसा पैसा है जिसको यूज़ नहीं किया गया है। जो डिग्री है इकोनॉमिक इनजस्टिस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो अब्सेंट अकाउंट है इज सीन इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल 2017-18 के अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में, वो उम्मीद की गई एंड एस्टिमेट किया कि वो रहा 79,435.95 करोड़। दूसरे शब्दों में कहें तो जो क्यूमुलेटिव अनयूटिलाइज्ड एसएचसी फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं स्कूल एंड हायर एजुकेशन के एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। नीड ऑफ द आर यही है कि जब से सेस को स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये अनजस्टिफाइड हो गया है, क्योंकि उसी पर्पस के लिए रखे रखते हैं एंड किसी और के लिए यूज़ नहीं कर पाते। तो अब हम पढ़ेंगे नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। तो जो टेन्योर है वो 2 साल तक और बढ़ा दिया गया है इसका। जो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है NAA, इसे सेक्शन 171 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एंड ये इंश्योर करने के लिए कि जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हो या जो बेनिफिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का इज पास्ड ऑन टू द रिसिपेंट बाय वे ऑफ कॉमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइजेस। जो अथॉरिटी है उसका कोर फंक्शन यही है कि जो बेनिफिट है रिडक्शन इन जीएसटी रेट्स के ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे जीएसटी काउंसिल ने बनाया है, या जो भी प्रोपोर्शनल चेंज हो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर, वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को पास किया जाए रिसिपेंट को बाय वे ऑफ रिडक्शन इन द प्राइजेस बाय देयर सप्लायर्स। जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है इसे हेड करते हैं एक सीनियर ऑफिसर, जो कि एक सेक्रेटरी लेवल के होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, एंड 4 इसके अंदर टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं सेंटर और स्टेट से। अथॉरिटी के पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है ये कंफर्म करता है कि नेसेसिटी ऑफ अप्लाइंग एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स, एंड इसके पास पावर भी है कि ये ऑर्डर कर सकता है बिजनेस कंसर्न को ताकि प्राइजेस को रिड्यूस किया जा सके एंड जो अनड्यू प्रॉफिट है उसको रिटर्न किया जा सके विद इंटरेस्ट। अगर अनड्यू प्रॉफिट पास नहीं होता है रिसिपेंट को तो ये भी ऑर्डर किया जा सकता है कि उसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर डाल दिया जाए। एक्सट्रीम केसेस में जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है वो पेनल्टी भी लगा सकती है डिफॉल्टिंग बिजनेस एंटिटी पर, और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के अंदर उसे भी कैंसिल कर सकती है। नाउ कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बाय आरबीआई, तो इसे लॉन्च किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई के ग्रीवेंस रिड्रेसर प्रोसेस को देखती है, एंड इसका एम यही है कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाए इन टाइमली रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज। जो कंज्यूमर्स हैं वो कंप्लेंट्स दे सकते हैं किसी भी रेगुलर एंटिटी के खिलाफ विद पब्लिक इंटरफेरेंस, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड जो कंप्लेंट होगी वो डायरेक्ट की जाएगी टू द अप्रोप्रिएट ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन, जिसे मीन्स लोकपाल कहते हैं, या फिर रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्टेटस ट्रैक हो पाएगा कंप्लेंट्स का, एंड जो कंप्लेंट्स हैं वो वॉलंटरली शेयर करेंगी फीडबैक भी ऑन देयर एक्सपीरियंस इन ऑब्टेनिंग रिड्रेसल। नाउ इसकी ज़रूरत इसीलिए ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस रहे बना रहे बैंक्स के अंदर या दूसरे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर, ताकि उनको इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल जब मिलेंगे, कस्टमर्स को एम्पावर किया जाएगा थ्रू एजुकेशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम। नाउ IMD कॉम्पिटिटिव रैंकिंग्स, तो थोड़ा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जो 2019 एडिशन है IMD का, दैट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट बिजनेस स्कूल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग्स, इसे रिलीज़ कर दिया गया है। ये 1989 में स्टार्ट हुई थी। ये रिपोर्ट रैंक करती है 63 इकोनॉमीज़ को 235 इंडिकेटर्स पर। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये चेक करते हैं कंट्री की क्या एबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को फोस्टर कर सकती है या नहीं, वेयर एंटरप्राइजेस कैन अचीव डिजायरेबल सस्टेनेबल ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इट्स सिटीजन्स वेलफेयर। IMD वाइड रेंज ऑफ स्टैट्स देखती है एंड हार्ड डाटा जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, GDP, गवर्नमेंट की क्या स्पेंडिंग है हेल्थ एंड एजुकेशन पर, या सॉफ्ट डाटा फ्रॉम एन इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे ऑन टॉपिक सच एज सोशल कोहिजन, ग्लोबलाइजेशन एंड करप्शन। जो इकोनॉमीज जज होती हैं वो 4 कैटेगरीज के अंदर हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड बिजनेस एफिशिएंसी। इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है? इंडिया जो है वो 1 प्लेस ऊपर चली गई है। पहले 44 रैंक थी, अब 43rd रैंक हो गई है। तो उससे भी पहले अगर आप देखेंगे तो 2016 में 41 रैंक थी, 2017 में 45 थी,
जो इम्प्रूव्ड रैंक है वो रिजल्ट है कि हाँ ग्रोथ हो रही है एंड एक लार्ज लेबर फोर्स एंड ह्यूज मार्केट साइज भी है। टॉप किया अगेन सिंगापुर ने एंड टॉप पोजीशन फर्स्ट टाइम रही 9 सालों के अंदर। 2018 में इसकी थर्ड रैंक आई थी सिंगापुर की। जो हांगकॉन्ग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है दैट इज़ SAR, उनकी सेकेंड पोजिशन रही, लास्ट ईयर भी यहीं थी। US जो है वो थर्ड प्लेस पे आ गया है। एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो एक ग्लोबल बेकन की तरह उभर के सामने आया है, जिनकी 14 इकोनॉमीज में से 11 जो है वो इम्प्रूव्ड रही एंड होल्डेड ऑन टू देयर ग्राउंड। नाउ रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स ये क्या होते हैं, न्यूज़ में क्यों है? कॉमर्स मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है रेसिप्रोकल मार्केट एसेस फॉर इंडियन गुड्स। कंट्रीज जो हैं वो यूज़ करती हैं बायलेटरल एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स ताकि मार्केट एसेस को बढ़ाया जा सके, ट्रेड को एक्सपेंड किया जा सके इन फॉरेन मार्केट्स। एंड ये जो एग्रीमेंट्स हैं इन्हें रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स को स्पेशल एडवांटेजेस देनी होती हैं एक दूसरे को। इसके अंदर काफ़ी टाइप के एग्रीमेंट्स हैं, जैसे प्रेफरेंशियल हो गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, कस्टम यूनियंस हो गई, कॉमन मार्केट्स हो गई, जहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो अपनी मार्केट्स को ओपन रखते हैं टू ईच अदर्स एक्सपोर्ट बाय लोवरिंग ट्रेड बैरियर्स। नाउ नीड क्या है, दे हैव बिकम एन इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट फीचर। आजकल का जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है रिसेंट ईयर्स के अंदर, उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टॉल्ड मतलब जो बेकार ग्लोबल नेगोशिएशंस हो रही हैं अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसे देखा जा सके। एंड काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स हैं वो भी ये बिलीव करते हैं कि जो रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इससे मार्केट इंटीग्रेशन बढ़ेगी, एफर्ट्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट हो पाएंगे बाय WTO टू लिबरलाइज इंटरनेशनल मार्केट्स। एंड एक्नॉलेजिंग करते वक्त जो RTA कैन ओपन अप मार्केट्स, अदर ऑब्जर्वर्स कंटेंट दैट दीज एग्रीमेंट्स ऑल्सो डिस्टोर्ट ट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नॉन मेंबर कंट्रीज। नाउ शांता कुमार कमेटी, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री राम विलास पासवान ने एक रोड मैप जारी किया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एंड कहा कि जो प्राइमेसी है वो FCI के फंक्शनिंग को देनी होगी। एंड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ शांता कुमार कमेटी, गवर्नमेंट ने एक 6 मेंबर कमेटी भी बनाई कि FCI जो उस है उसका रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट आए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव हो, प्रोक्योरमेंट के अंदर, स्टोरेज के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स के अंदर भी। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन और क्या दिए कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको कम कर दो फूड सिक्योरिटी एक्ट में 67 से 40%। प्राइवेट को भी अलाउ करो कि वो भी फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर एंड स्टोर कर सकें। बोनसेस देना बंद कर दीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पे जो कि स्टेट्स पे करती हैं फार्मर्स को, एंड कैश ट्रांसफर सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। FCI को इन्वॉल्व करना होगा फुल फ्लेज्ड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट के अंदर सिर्फ उसी स्टेट्स में जो कि प्रोक्योरमेंट के अंदर पुअर हैं, और वो स्टेट्स जो अच्छा कर रही हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पर स्टेट्स को प्रोक्योरमेंट करते रहना चाहिए। जो लेवाई राइस है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट को राइस खरीदना पड़ता है 25 to 75% मिल्स से कंपलसरली, जिसे लेवाई राइस कहते हैं, एंड मिल्स आर अलाउड टू सेल ओनली द रिमाइंडर इन द ओपन मार्केट। डीरेगुलेट करना होगा फर्टिलाइज सेक्टर को, कैश फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करनी होगी 7,000 पर फैक्टेयर की टू फार्मर्स। आउटसोर्स करना होगा स्टॉकिंग ऑफ ग्रेन्स को, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विडेशन पॉलिसी लानी होगी फॉर बफर स्टॉक। FCI को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी इन डूइंग बिजनेस एंड इट शुड ऑफलोड सरप्लस स्टॉक इन ओपन मार्केट और एक्सपोर्ट एज पर नीड। नाउ वी विल रीड अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो जो फंड्स हैं वो मोबिलाइज हो गए हैं अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। 21 गोकुल ग्राम बनाए जाएंगे एज इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये कंजर्व करेगा, डेवलप करेगा इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स को। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके अंडर, NPBBD के अंदर, दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। ये जो मिशन है ये इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन हो सके इंडिजीनियस ब्रीड्स की, ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को लिया जा सके ताकि इम्प्रूवमेंट आए जेनेटिक मेकअप एंड स्टॉक को बढ़ाने में, मिल्क प्रोडक्शन बढ़े एंड अपग्रेडेशन हो सके। एंड इसके साथ साथ देखिए ये कुछ ब्रीड्स के नाम हैं जैसे कि गिर, साहिवाल, राठी, दियोनी, थार पार्कर, रेड सिंधी, तो ये बुफेलोस के नेम होते हैं एंड उनका मतलब एक तरीके से इस टाइप ऑफ स्पीशीज है। डिस्ट्रीब्यूट डिसीज फ्री जेनरिक मेटरिक मैरिट बुल्स फॉर नेचुरल सर्विस। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दैट इज़ SIA से, विज लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स।
जो स्टेट गौ सेवा आयोग हैं वो दिए जाएंगे, ताकि प्रपोजल्स को स्पॉन्सर किया जा सके, टू SIAs एंड मॉनिटर किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन भी। जो भी एजेंसीज हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल है इन इंडिजीनियस कैटल डेवलपमेंट, वो पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज होंगी, जैसे कि CFS, PTI, CCBFS, ICAR, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, NGOs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड गौशालाज विद बेस्ट जम प्लाज्मा। गोकुल ग्राम जो फंड्स होंगे इस स्कीम के अंदर वो इसलिए दिए जाएंगे ताकि एस्टैब्लिशमेंट हो सके इंटीग्रेटेड इंडिजीनियस कैटल सेंटर्स की गोकुल ग्राम की। गोकुल ग्राम इस्टैब्लिश होंगे नेटिव ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स के अंदर नियर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के पास, एंड ये एक्ट करेंगे एज अ सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड एंड अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ हाई जेनेटिक ब्रीडिंग स्टॉक। जो गोकुल ग्राम होंगे वो सेल्फ सस्टेनिंग होंगे एंड जनरेट करेंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम द सेल ऑफ A2 मिल्क। A2 मिल्क जो होता है वो काउ का मिल्क होता है, जिसके अंदर बी कैसिन प्रोटीन्स लैक होते हैं, मीन्स कमी होती है, कॉल्ड A1, एंड ज़्यादातर A2 फॉर्म होते हैं। ऑर्गेनिक मेन्योर, वर्मी कॉम्पोस्टिंग, यूराइन टिलेटीज एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोगैस फॉर इन हाउस कंजम्पशन एंड सेल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। जो गोकुल ग्राम होगा वो एज अ स्टेट ऑफ आर्ट भी फंक्शन करेगा, इन सिटू ट्रेनिंग सेंटर फॉर फार्मर्स, ब्रीडर्स एंड मैत्रीज। जो गोकुल ग्राम है वो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स और जो मिल्च है उसका रेशो 60:40 रखेगा, एंड जो कैपेसिटी होगी वो यही रहेगी कि 1000 एनिमल्स को मेंटेन किया जा सके। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे गोकुल ग्राम के अंदर, एंड गोकुल ग्राम को सेटअप किया जाएगा नियर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ फॉर मैनेजिंग अर्बन कैटल। जो मेट्रोपॉलिटन गोकुल ग्राम्स होंगे वो फोकस करेंगे जेनेटिक अपग्रेडेशन पर ऑफ अर्बन कैटल। नाउ जल ही जीवन है, जो फार्मर्स हैं हरियाणा के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्होंने ये स्कीम को अपनाया है हरियाणा गवर्नमेंट की, जिसका एम यही है कि जो पैडी एरिया है उसको बढ़ाया जाए, एंड टू मेज, अरहर दाल, अरहर दाल को पीजन पी कहते हैं, एंड सोयाबीन। इस स्कीम जो है ये रिप्लेस करेगी पैडी को बाय मेज एंड अदर क्रॉप्स को इन 7 डार्क जोन ब्लॉक्स। टारगेट इसीलिए है ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके अराउंड 50,000 हेक्टेयर एरिया फ्रॉम दिस सीजन। कंटिन्यूअस पैडी ग्रो होने के कारण स्टेट में 1 मीटर वाटर टेबल जो है वो पर ईयर डिप्लीट हो रहा है। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है थ्रू द अबव स्कीम इज इंटेंडेड टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड इसे फार्मर्स को भी इनेबल किया जाएगा टू चूज क्रॉप ऑल्टरनेटिव्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। जो रूट कॉजेज हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर के, क्योंकि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होता है वाटर गजलिंग क्रॉप्स का, एंड ग्राउंड वाटर जो विड्रॉल है उससे भी जो रिचार्ज है वो उसकी कमी आ रही है, एंड जो मेथड ऑफ इरिगेशन है वो काफ़ी मतलब उससे ज़्यादा वाटरिंग एंड वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। फिर इसके बाद सारे आपको गुड पॉइंट्स लिख देने हैं, जैसे कि रिसोर्स कंजर्वेशन, अच्छा वाटर टेबल लेकर आइए, फार्मर्स की अच्छी मतलब MSPs हों, एंड इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब ये देख लीजिए, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी फार्मर को 2,000 रुपये पर एकड़। हाई क्वालिटी एंड हाई यील्ड हाइब्रिड सीड प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सिलेक्टेड फार्मर्स होंगे उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, फार्मर प्रीमियम शेयर भी पे करेगी फॉर मेज क्रॉप अंडर PMFBI, एंड जो भी जो प्रोड्यूस होगा इन फार्मर्स का उसे परचेज कर लेगी स्टेट गवर्नमेंट एट MSP। नाउ बी कीपिंग डेवलपमेंट कमिटी रिपोर्ट, तो इसमें आइए इंडिया की रैंक देखते हैं। तो बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी अंडर EACPM ने रिपोर्ट रिलीज कर दी है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कहा है PM को कि वो एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर विवेक देबरॉय। जो BDC है वो कॉन्स्टिट्यूट इसीलिए की जाए ताकि जो बी कीपिंग है उसको उसके वेज ऑफ एडवांसिंग बी कीपिंग को आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़े एंड बायोडाइवर्सिटी भी सस्टेन रहे। कुछ रिकमेंडेशंस हैं जैसे कि हनी बीज को इनपुट माना जाए एंड प्लांटेशन की जाए बी फ्रेंडली फ्लोरा की, नेशनल बी बोर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाएं एंड रिकॉग्निशन की जाए एपिकल्चर की एज अ सब्जेक्ट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो बी कीपर्स की, डेवलपमेंट हो नेशनल एंड रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिग्निफिकेंस ऑफ बी कीपिंग
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस के अकॉर्डिंग 2017-18 में इंडिया की जो रैंक थी वो 8th आई थी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हनी प्रोडक्शन। वहीं जो चाइना था वो फर्स्ट आया था विद द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 551,000 टन्स। इसके बाद जो बी कीपिंग है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर भी है इन अचीविंग द 2022 टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो इस स्कोप को बढ़ाना होगा एंड एरिया को भी इंक्रीज करना होगा, क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल है 200 मिलियन बी कॉलोनीज का एज अगेंस्ट 3.4 बी कॉलोनीज इंडी टूडे। इंडिया के जो रीसेंट एफर्ट्स हैं वो भी इसीलिए हैं कि स्टेट जो बी कीपिंग का जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। हनी एक्सपोर्ट्स को 29,600 टन से बढ़ाकर 51,500 टन किया जाए। एंड जो चैलेंजेस हैं ये रहा भी, मतलब 2014-15 से 2017-18 में ये अचीव हो चुका है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं, काफ़ी कुछ करना ज़रूरी है ताकि जो बी कीपिंग का स्कोप है, जो स्केल है, उसे इम्प्रूव किया जा सके। नाउ फॉल और आर्मी वॉर्म, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स के अंदर या नवंबर के अंदर। तो देखिए ये जो फॉल आर्मी वॉर्म है ये मेनली मेज़ पर पाया जाता है एंड रगी एंड सोरघम पर भी पाया गया है। इसकी 45 डे लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है। जो फीमेल मौत होता है इस पेस्ट का वो 1500 से 2000 एग्स दे देता है लीव्स के टॉप पे, एंड 30 डे का लार्वल स्टेज होता है। तो जो कैटरपिलर है गोज थ्रू 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनस्टार्स। तो ये डेंजरस पार्ट है लाइफ साइकिल का, जब कैटरपिलर जो है वो लीव पे फीड कर रहा है होल्स पे स्टाक्स एंड फ्लावर्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स पर। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो जो ग्रोइंग मोथ होता है इट पपेट्स इन द सॉइल फॉर 8 to 9 days इन समर एंड 20 to 30 days लेता है कोल्ड वेदर के अंदर। जो नॉक्टर्नल एग लेइंग एडल्ट्स होते हैं वो 10 दिन तक मतलब जी पाते हैं, ड्यूरिंग विच दे माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक बार आप ये भी देख लीजिए कि जो फॉल आर्मी वॉर्म है, दैट इज FAW, जस्ट अ मिनट, फॉल आर्मी वॉर्म FAW एक नेटिव है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिकाज का। सबसे पहले अफ्रीका के अंदर डिटेक्ट हुआ था 2016 के अंदर, उसके बाद ये चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका के अंदर फैल गया। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर पाया गया, कहाँ, कर्नाटका के अंदर, एंड 6 महीने के अंदर ही 50% ये फैल चुका है मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब FAW डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये एक पोलीफेगस है, मतलब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स पर फीड कर सकता है। नेचर ऑफ कैटरपिलर एंड जो एडल्ट की एबिलिटी होती है कि वो पर नाइट 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया फ्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स पर फीड कर सकते हैं, 80 डिफरेंट क्रॉप्स, मेज से लेके शुगर केन। FAW अटैक कर सकता है मल्टीपल क्रॉप्स को। सिमिलरली इट कैन स्प्रेड अक्रॉस लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड इट कैन फ्लाई ओवर लार्ज डिस्टेंसेज, जिसकी वजह से क्विक स्प्रेड होता है पेस्ट का अक्रॉस इंडिया। FAW आउटपुट को कैसे अफेक्ट करता है, तो टिल डेट इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि FAW का जो इन्फेस्टेशन है मेज़ पर, सोरगम पर, शुगर केन क्रॉप्स पर, मेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेज़ ग्रोइंग स्टेट्स हैं साउदर्न इंडिया के अंदर वो पेस्ट से अफेक्ट होती हैं। FAW का इन्फेस्टेशन और जो ड्रॉट है उसे शॉर्टफॉल आएगा नियरली 5 लाख टन्स का इन आउटपुट, एंड जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को मेज़ इंपोर्ट करना पड़ा अंडर कंसेशनल ड्यूटी। एंड मेज़ जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप भी है जो कंट्री के अंदर ग्रो किया जाता है, एंड अगर इसका इन्फेस्टेशन अगर टाइम पे चेक नहीं किया जाएगा तो उससे मंथ्स कंडीशन बुरी हो सकती है। नाउ RENA रिपोर्ट रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2018। तो IRENA, दैट इज़ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसका नाम था रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2018। IRENA ने एनालाइज किए 8 मेजर सोलर PV मार्केट्स 2010 से 2018 तक। इसमें इंक्लूडेड है कंट्रीज जैसे कि चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, UK एंड USA। IRENA है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉपरेट करती है, एडवांस करती है नॉलेज को एंड प्रमोट करती है रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज़ को। ये पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर ही फोकस करती है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो या चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो। 2009 में ये फाउंड हुई थी, 8 जुलाई 2002 को ये फोर्स में आई, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो मस्दर सिटी अबू धाबी के अंदर है। IRENA एक यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर भी है।
इंडिया लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है सोलर पावर का ग्लोबली, एंड इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर पीवी इन इंडिया की वो है 793 डॉलर पर किलोवाट इन 2018, जो कि 27% कम हो गई एज़ कम्पेयर टू 2017। जो कॉस्ट है वो भी 80% से कम हो गई। कैनाडा की जो है हाईएस्ट कॉस्ट है दैट इज़ 2427 पर किलोवाट, एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर भी कॉस्ट डिक्लाइन ग्लोबली देखा गया है। लो कॉस्ट के कारण क्या है? क्योंकि इंडिया के हाई सोलर पोटेंशियल होने की वजह से एसेट यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हुआ है। कंट्री ने इम्पोर्ट किए हैं बहुत सारे हार्डवेयर चाइना से क्योंकि वहाँ से सस्ते मिल गए थे, एंड जो कॉस्ट है लैंड की और लेबर की वो भी सस्ती है देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उससे लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो पाती है इंडिया के अंदर सोलर पावर की। नाउ BS6 नॉर्म्स, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया है इंडिया का पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट फॉर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स फॉर टू व्हीलर सर्टिफिकेट। लास्ट ईयर ICAT ने अप्रूवल दिया था BS6 नॉर्म्स को टू MS वॉल्वो आइशर कॉमर्शियल व्हीकल्स फॉर द हैवी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, विच वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इन द सेगमेंट इन इंडिया। नाउ डिफरेंस क्या है BS6 एंड न्यू BS6 के अंदर? डिफरेंस यही है प्रेजेंस ऑफ सल्फर। जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फ्यूल है उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि उसके अंदर जो सल्फर है वो 80% तक कम हो जाएगा, मतलब 50 से 10 पार्ट्स पर 1000 के अंदर आ जाएगा। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो एमिशन है नाइट्रोजन ऑक्साइड का वो भी रिड्यूस हो जाएगा, 70% से 25% हो जाएगा। जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं वो ऑटोमोटिव एमिशन नॉर्म्स हैं, एंड जो कि ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स जो होती हैं वे दे हैव टू कंप्लाई टू सेल देयर व्हीकल्स इन इंडिया, एंड ये नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं सभी टू व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के लिए। जो ग्रोइंग मैनेस है एयर पॉल्यूशन का उसे कंट्रोल करने के लिए थ्रू व्हीकल मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो BS4 नॉर्म से BS6 नॉर्म्स पे आ जाएगा, एंड BS5 को तो स्किप ही कर दिया, एंड 1 अप्रैल 2020 से सीधा BS6 नॉर्म लगा दिया। तो सिर्फ वही व्हीकल सोल्ड किए जाएंगे 1 अप्रैल 2020 से जो इन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। ये नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट हैं एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही है। ICAT एक प्रीमियर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसी है जिसे अथोराइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ताकि टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज दी जा सकें व्हीकल को एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अपग्रेड दीज नॉर्म्स? तो अपग्रेडिंग करना स्ट्रिक्टर फ्यूल स्टैंडर्ड से एयर पॉल्यूशन को टैकल कर पाएंगे। ग्लोबल ऑटो मेकर्स जो हैं उनको दे कैन बैट बिग ऑन इंडिया एज व्हीकल पेनिट्रेशन इज स्टिल लो हियर एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर सोलर विंड सेक्टर, तो ये एक मेजर डिसीजन है जिसके थ्रू सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स देखे गए हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एक प्रपोजल कि वो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाएंगे ताकि जितने भी अनफोर्सिन डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन सोलर विंड पावर डेवलपर्स एंड SECI NTPC वो देखे जा सकें। इससे फर्दर मतलब स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होगा सोलर या विंड पावर प्रोजेक्ट्स का इंडिया के अंदर, एंड जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इंडस्ट्री की वो फुलफिल हो पाएगी। जो सोलर एंड विंड इंडस्ट्री है वो डिमांड कर रहे हैं कि वो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को सेटअप करें बाय MNRE फॉर क्वाइट सम टाइम एंड रिजोल्व करें अनफोर्सिन डिस्प्यूट्स को जो कि क्रिएट हो जाते हैं। जो ये इशू है ये कंसीडर भी किया एंड ये भी फील किया गया कि ज़रूरत है एक ट्रांसपेरेंट और अनबायस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को करेक्ट करने की, एंड इट कंसिस्टिंग ऑफ अ इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, ताकि जो अनफोर्सिन डिस्प्यूट्स हैं इन्हें रिजॉल्व किया जा सके। दैट मे अराइज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स एंड ऑल्सो फॉर डीलिंग विद इशूज विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स बिटवीन सोलर पावर डेवलपर्स, विंड पावर डेवलपर्स एंड SECI NTPC। नाउ कॉम्पोजिशन एंड एलिजिबिलिटी क्या है? एक 3 मेंबर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी सेटअप की जाएगी। किसके अप्रूवल के साथ? ऑनरेबल मिनिस्टर NRE, एंड जिसके अंदर एमिनेंट पर्सन्स होंगे, अपर एज होगी वो 70 ईयर्स होगी, एंड ये जो पर्सन्स होंगे ये NCR दिल्ली से चूज किए जाएंगे ताकि एयर ट्रैवल एंड एकोमोडेशन का खर्चा अवॉइड किया जा सके। जो मैकेनिज्म होगा वो एप्लीकेबल होगा सभी सोलर विंड स्कीम्स प्रोग्राम्स के लिए, एंड DRC जो है वो काफ़ी अलग अलग केसेस को भी कंसर्न करेगी, जैसे कि जितनी भी केसेस होंगे अपील की अगेंस्ट डिसीजंस गिवन बाय SECI
ऑन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी एक्सटेंशन ऑफ टाइम की विच आर नॉट कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जितने भी केसेस उसको रेफर किए जाएंगे इंक्लूडिंग द केसेस वेयर द डेवलपर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ SCCI या फिर NTPC. फाइनल डिसीजन जो रिकमेंडेशन होगी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी की अलॉन्ग विद MNRE's इज ऑब्जर्वेशन, इट विल बी प्लेस्ड बिफोर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनल डिसीजन. जो मिनिस्ट्री होगी वो एग्जामिन करेगी एंड पुट करेगी इस तरीके के रिकमेंडेशंस मिनिस्टर को विद द कमेंट्स ऑफ IFD विद 21 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम DRC. इस डिसीजन पे आने के लिए जो कमेटी है वो फ्री है टू इंटरेक्ट विद द रेलिवेंट पार्टीज ऑफ द केस एंड शैल रिकॉर्ड देयर व्यूज. केस को प्रेजेंट करने के लिए बिफोर DRC नो लॉयर्स शैल बी परमिटेड. नाउ वी विल रीड अबाउट कालेश्वरम प्रोजेक्ट. तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है कालेश्वरम मल्टीपर्पस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसे रिसेंटली ही इनॉग्रेट कर दिया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने. एंड ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ द ओरिजिनल प्राणहिता छेवल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम जिसे कांग्रेस सरकार ने लिया था 2007 में जब आंध्र प्रदेश डिवाइड भी नहीं हुआ था, क्योंकि तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ 2014 के अंदर. तो जो TRS गवर्नमेंट थी उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है दोबारा से रीडिज़ाइन किया कि ओरिजिनल प्लान के अंदर काफ़ी सारी एनवायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं एंड काफ़ी लो वाटर स्टोरेज प्रोविजन है एंड ओनली अबाउट 16.5 TMC फीट. तो एक हाईली एडवांस्ड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वेस करने के बाद ही जो गवर्नमेंट है वो सेपरेट करेगी ओरिजिनल कंपोनेंट को विच सर्व्स द अदिलाबाद एरिया एज द प्राणहित प्रोजेक्ट एंड रीनेम द रेस्ट एज कालेश्वरम बाय रीडिजाइनिंग द हेडवर्क्स स्टोरेज कैपेसिटी एंड द केनाल सिस्टम. नाउ इम्पैक्ट क्या रहेगा, जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रोविजन है कि वो स्टोर कर सकता है 148 TMC फीट विद प्लान्स ऑफ यूटिलाइजिंग 180 TMC फीट बाय लिफ्टिंग एटलीस्ट 2 TMC फीट वाटर एवरी डे फॉर 90 फ्लड डेज. ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है टू इरीगेट द 7,38,851 हेक्टेयर्स अपलैंड इन द अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ करीमनगर, निज़ामाबाद, वरानगर, मेडाक, नालगोंडा एंड रंगारेड्डी. नाउ यूनिक क्या है, इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग जो KLIP होगा उसके यूनिक फीचर्स होंगे. लॉन्गेस्ट टनल होगा जो वाटर को ले जा सकता है एशिया में, रनिंग अप टू 81 किलोमीटर बिटवीन द येल्लम पैली बैरेज एंड द मल्लन्ना सागर रिजर्वर. जो प्रोजेक्ट है वो यूटिलाइज भी कर सकता है हाइएस्ट कैपेसिटी पम्प्स अप टू 139 MV इन द कंट्री टू लिफ्ट वाटर. नाउ वी विल रीड अबाउट नेशनल फ्रेट इंडेक्स. तो एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो गुड़गांव बेस्ड टेक इनेबल लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप है रिविगो, उन्होंने नेशनल फ्रेट इंडेक्स को लॉन्च किया जो कि लाइव फ्रेट रेट्स बताएगा फॉर डिफरेंट लेन्स एंड व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री. एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैरामीटर है रोड फ्रेट मार्केट का जो कि रिविगो रेट एक्सचेंज पर बेस्ड है. एंड NFI एक लाइव स्पॉट रेट देगी और ऑन ओवर 7 मिलियन लेन एंड व्हीकल टाइप कॉम्बिनेशन इन द कंट्री. NFI एक एग्रीगेटेड पिक्चर देगी लाइव रेट्स का भी, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का भी, स्पॉट प्राइस मूवमेंट्स इन द रोड फ्रेट इंडस्ट्री. जो इंडेक्स है उसके 2 मेन फॉर्म्स होंगे, एक तो एक्चुअल फ्रेट रेट्स कंडेंस टू INR पर टन किलोमीटर एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ बेस मंथ. दोनों ही इंडेक्स और जो एक्सचेंज होंगे वो रिविगो मशीन लर्निंग पर बेस्ड होंगे एंड इकोनॉमिक्स पर पावर्ड प्राइजिंग एल्गोरिथम जो कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करेगी ऑन एक्यूरेसी. जो रेट है एक्सचेंज के एंड इंडेक्स के उन्हें कंप्यूट किया जाएगा मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके फ्रॉम हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस, करंट मार्केट डायनामिक्स, माइक्रो मार्केट इंसाइट्स एंड अदर फैक्टर्स. अल्टीमेट पर्पस यही होगा कि फेयर एंड प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन दे सके स्टेट का ऑफ द स्पॉट मार्केट इन द कंट्री. NFI का सिग्निफिकेंस एंड ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक्स मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारी इनएफिशियंसीज हैं इंफॉर्मेशन असिमेट्री की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ वैल्यू हो जाता है. एंड NFI जो होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड एसेस को भी रोकेगा एंड शेयरिंग ऑफ फ्रेट रेट इंफॉर्मेशन को भी, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी मार्केट के अंदर एंड जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स है उसमें एफिशिएंसी एंड ग्रोथ आएगी. जो इंडियन रोड फ्रेट मार्केट है 2018 तक वो USD 150 to 160 बिलियन अज्यूम किया गया था US डॉलर्स एंड
फुल ट्रक लोड मार्केट को लाने के बाद। तो विद इन दिस जो रिविगो एस्टिमेट्स हैं, रिविगो ने एस्टिमेट किया कि जो स्पॉट फ्रेट मार्केट है वो USD 110 टू 130 बिलियन हो जाएगी एंड 9 से 10% बढ़ने की उम्मीद भी है। नाउ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जो ये नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल्स की, इसे अप्रूव की है गवर्नमेंट ने ताकि जो 20% ब्लेंडिंग है इथानॉल की वो हो सके पेट्रोल में एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले कैटेगराइजेशन, जो पॉलिसी है उन्होंने कैटेगराइज किया बायोफ्यूल्स को एज बेसिक बायोफ्यूल्स एंड दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन बायो इथेनॉल एंड बायो डीजल एंड एडवांस्ड बायोफ्यूल्स, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू ड्रॉप इन फ्यूल्स, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स बायो सीएनजी, ताकि जो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एंड जो फिस्कल इंसेंटिव्स हैं उनका एक्सटेंशन हो सके। स्कोप मिलेगा रॉ मटेरियल्स का इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि शुगर केन जूस, शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर बीट, स्वीट सोरगम, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है। प्रोटेक्शन मिलेगी फार्मर्स को, बिकॉज प्रोटेक्शन फार्मर्स को हमेशा हमेशा रिस्क रहता है कि उनको अप्रोप्रिएट प्राइस नहीं मिलता है उनके प्रोड्यूस का जब सरप्लस प्रोडक्शन फेज हो जाती है। तो इसको देखते हुए पॉलिसी जो है वो सरप्लस फूड ग्रेन्स को भी अलाउ करेगी कि उसको ब्लेंड करके विद पेट्रोल इथानोल का प्रोडक्शन किया जाए, लेकिन अप्रूवल लेना होगा किसका, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का। वायबिलिटी गैप फंडिंग विद अ थ्रस्ट ऑन एडवांस्ड बायोफ्यूल्स, ये जो पॉलिसी है एक वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को भी इंडिकेट करती है फॉर 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज ऑफ ₹5,000 करोड़ इन 6 years इन एडिशन टू एडिशनल टैक्स इंसेंटिव्स। ये बूस्ट करेगी किसको, बायोडीजल प्रोडक्शन को। ये जो पॉलिसी है इनकरेज करेगी कि सप्लाई चेन मैकेनिज्म्स बनाए जाएं बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए नॉन एडिबल ऑयल सीड से यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड शॉर्ट गेस्टेशन क्रॉप्स। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारे लिए कम हो जाएगी, एनवायरनमेंट क्लीन होगा क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस होंगी, हेल्थ के बेनिफिट्स होंगे क्योंकि जब बार बार कुकिंग ऑयल को रीयूज़ करते हैं एंड डीप फ्राइंग के लिए खासकर, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैजार्डियस होता है एंड उससे काफ़ी सारी डिसीजेज हो जाती हैं। तो कुकिंग ऑयल को यूज़ करना इज़ नॉट गुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इससे 1200 जॉब्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट हो पाएंगी इन प्लांट ऑपरेशंस, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम होगी क्योंकि 2G टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करके जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है या जो वेस्ट है जो कि फार्मर्स बर्न कर देते थे वो इथानॉल में कन्वर्ट हो पाएगा। बायोफ्यूल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, लास्ट डिकेड के अंदर ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन लिया है एंड इट इज़ इम्पेरेटिव टू कीप अप विद द पेस ऑफ डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ बायोफ्यूल्स, क्योंकि बायोफ्यूल्स की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है जैसे कि मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल डेवलपमेंट, एंड ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि जैसे फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है, इम्पोर्ट को कम किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है एंड वेस्ट से वेल्थ क्रिएट हो सकती है। नाउ बायोफ्यूल्स को 3 generations के अंदर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स हैं, मतलब जैसे जो शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल से बनते हैं एंड ये सब फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फीड स्टॉक से जो भी फ्यूल बनाया जाता है जो कि ह्यूमन फूड की तरह कंज्यूम हो सके उसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल सस्टेनेबल फीड स्टॉक से बनता है। जो सस्टेनेबिलिटी है फीड स्टॉक की वो डिपेंड करती है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ग्रीन हाउस गैसेज पर एमिशंस कितना है, लैंड यूज़ पर क्या इम्पैक्ट है एंड कोई भी सेकेंड जनरेशन फ्यूल जो है ये भी ध्यान रखें इज़ ऑल्सो अ फूड क्रॉप, जबकि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेकेंड जनरेशन फ्यूल्स बन सकते हैं जब वो नो लॉन्गर यूजफुल रहे कंजम्पशन के लिए, इसलिए इन्हें एडवांस्ड बायोफ्यूल्स कहा जाता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स एल्गी से ड्राइव होते हैं। ये जो बायोफ्यूल्स हैं इनका खुद का सेपरेट क्लास है क्योंकि इनका यूनिक प्रोडक्शन मैकेनिज्म है एंड इनका खुद का पोटेंशियल है टू मिटिगेट कॉस्ट ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। नाउ वी विल रीड अबाउट सिस्टर सिटी एग्रीमेंट बिटवीन कोब एंड अहमदाबाद। तो ये जो एग्रीमेंट है ये फॉर्मलाइज करने जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टू सिटीज़।
जिनमें से दोनों ही यूनिक हैं, एक तो वाइल्ड कोबे जो कि क्रिएटिव डिज़ाइन सिटी है एशिया की, एंड अहमदाबाद जो कि इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी होगी। एग्रीमेंट के बाद एक प्लान आएगा सामने जिससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कॉपरेशन के लिए बिटवीन द टू सिटीज़ ऑन अकेडमिक, कल्चरल एज वेल एज बिजनेस फ्रंट्स। जो कोबे है वो हाइगो प्रफेक्चर इन जापान के अंदर है। पीएम नरेंद्र मोदी एंड जापानीज पीएम शिंजो एबे, उन्होंने एक सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट बनाया है फॉर गुजरात एंड ह्योगो प्रफेक्चर। तो ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द लॉ एंड द फ्यूचर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ्स के अंदर आ चुका है। फरवरी के अंदर केरला पुलिस ने एक रोबोट भी इंडक्ट किया फॉर पुलिस वर्क, एंड इसी महीने चेन्नई को भी अपना सेकेंड रोबोट थीम्ड रेस्टोरेंट मिला, जहाँ पर रोबोट सिर्फ वेटर्स की तरह काम ही नहीं करेंगे बल्कि कस्टमर से इंग्लिश और तमिल में भी बात करेंगे। अहमदाबाद के अंदर दिसंबर 2018 में एक कार्डियोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड का पहला इन ह्यूमन टेली रोबोटिक कोरोनरी इंटरवेंशन प्ले किया ऑन अ पेशेंट नियरली 32 किलोमीटर अवे। नाउ कंसर्न्स क्या हैं? जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके काफ़ी सारे पॉजिटिव एप्लीकेशंस हैं, एंड जो एप्लीकेबिलिटी है एआई सिस्टम्स की टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस से सीखें एंड सीखते सीखते परफेक्ट हो जाएं। AI is not regulated, अगर हम इसको रेगुलरली रेगुलेट नहीं करेंगे तो उससे अनमैनेजेबल implications आ सकते हैं। तो रेगुलेशन करना AI का, कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, एंड चैलेंजेस यही हैं क्योंकि कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। ब्रॉड बेस्ड एक्सपर्टाइज नहीं है, एसेस नहीं है, हाई रिसोर्स कॉस्ट है, लो अवेयरनेस है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशूज़ हैं, स्किल्ड मैन पावर की कमी है। नीड ऑफ द आर, एक लीगल डेफिनेशन होनी चाहिए AI की। AI की लीगल पर्सनैलिटी को इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि AI मतलब बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लीगेशंस विच मी वेदर एनी सॉर्ट ऑफ इंटेंशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट। नाउ प्राइवेसी भी देखिए एक फंडामेंटल राइट है, तो इससे ये भी देख रूल्स बनाने होंगे कि किस तरीके से डाटा को यूज़ किया जाए जो कि AI यूज़ करेगी एज पर द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018। देन आपका है नीति आयोग की नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि नरेट करती है डिफरेंट पेन पॉइंट्स एंड की चैलेंजेस इन्वॉल्विंग इन इम्प्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। नाउ वी विल रीड अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। तो IISc बैंगलोर के रिसर्चर्स ने सुपर कंडक्टिविटी रिपोर्ट की है एट रूम टेम्परेचर। उनकी जो फाइंडिंग है वो रिव्यू के अंडर है। सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमिनन है जो तभी पॉसिबल है जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, मीन्स जब 100 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो हो। नाउ जो सर्च है मटेरियल की दैट एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर या फिर लिस्ट मैनेजेबल लो टेम्परेचर्स हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स बट विदाउट सक्सेस। तो अगर डिस्कवरी को रिक्लेम किया गया, अगर ये कन्फर्म हो जाता है, तो ये बिगेस्ट ब्रेक थ्रू होगा इन फिजिक्स इन दिस सेंचुरी सुपर फार। नाउ सुपर कंडक्टिविटी मीन्स एक ऐसे स्टेट जहाँ पे मटेरियल बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करे, एंड जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी होती है दैट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रेजिस्टेंस मीन्स कि आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी अलाउज अनहिंडर्ड फ्लो। सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो मटेरियल है वो नो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के इन कोहेरेंट मैनर। जीरो रेजिस्टेंस की वजह से ही जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव कर सकते हैं एंड हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बना सकते हैं। टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं सुपर कंडक्टर की, एक तो जीरो रेजिस्टेंस एंड दूसरा है डाई मैग्नेटिज्म। डाई मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नॉर्मल मैग्नेटिज्म के अपोजिट है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू नॉर्मल मैग्नेटिज्म या फिर फेरो मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो अट्रैक्ट किया जाता है बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हाउ रेयर इज दिस? जो प्रॉब्लम है वो सुपर कंडक्टिविटी की है। एवर सिंस इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1911, जहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था काफ़ी लो टेम्परेचर्स पे, एंड इसी के क्लोज जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहा गया, दैट इज जीरो डिग्री के टू 273.15 डिग्री सी। नाउ रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट ने सुपर कंडक्टिव मटीरियल्स फाइंड किए हैं दैट आर हायर देन एब्सोल्यूट जीरो, बट काफ़ी सारी केसेस के अंदर टेम्परेचर अभी भी बिलो 100 डिग्री है एंड प्रेशर्स जो हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम चाहिए। तो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस को क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है
है, तो जो सुपर कंडक्टिविटी की जो एप्लीकेशंस हैव रिमेंड लिमिटेड एज ऑफ नाउ। नाउ स्पेस एक्टिविटीज़ बिल 2017, गवर्नमेंट जो है वो स्पेस एक्टिविटीज़ बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रही है एंड विच विल अलाउ द कॉमर्शियल यूज़ ऑफ स्पेस। ये एक बिल है जो कि स्पेस एक्टिविटीज़ को प्रोमोट करेगा, रेगुलेट करेगा। इसके अंदर जो नॉन गवर्नमेंटल या जो प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हर सिटीज़न के लिए अप्लाई होगा, हर सेक्टर्स के लिए अप्लाई होगा। जो नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर कैरिंग आउट द स्पेस एक्टिविटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर्मुलेट करेगा ताकि लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फीस भी डिसाइड हो सके फॉर लाइसेंस। गवर्नमेंट एक रजिस्टर भी बनाएगा सभी स्पेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। एक प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट देने की बात की जा रही है फॉर कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज़। इससे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड जो स्पेस एक्टिविटी है उसका कंडक्ट को भी सुपरवाइज किया जा सकेगा। ये डिटेल भी शेयर करेगा अबाउट द प्राइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएटेड बाई स्पेस एक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई पर्सन कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी लेता है बिना अथोराइजेशन के तो उसको 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ से ज़्यादा का फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। लेजिस्लेशन की इसीलिए ज़रूरत है ताकि जो ओवरऑल ग्रोथ हो स्पेस एक्टिविटीज़ की, इनहेंस पार्टिसिपेशन हो नॉन गवर्नमेंटल का भी एंड प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज का भी, इन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस विच इज़ बिकमिंग वेरी रेलिवेंट टुडे। नाउ नासाज इनसाइट एयरक्राफ्ट, तो नासा का जो इनसाइट लैंडर है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मोल कहा गया है। इसको डिज़ाइन किया गया था कि वो मार्शियन सरफेस के अंदर तक डीप तक हैमर करे अपने आप को एंड टेम्परेचर चेंजेस को मॉनिटर करे। नासा ने इसको फिगर किया एंड फिगर्ड इट वुड बी एबल टू पुश इट सेल्फ कि वो मतलब 16 फीट गहराई तक जा सकता है मार्शियन क्रस्ट में, लेकिन जो सॉइल की इनकंसिस्टेंसी थी उससे ये डिफ़िकल्ट हो गया। तो मोल जो है वो सिर्फ 1 फुट डिप तक ही जा पाया एंड नाउ अब जो इनसाइट की जो साइंस टीम है वो एक नया प्लान बनाने जा रही है। नए प्लान में इनसाइट्स का रोबोटिक आर्म होगा जो कि सॉइल के अंदर पुश होगा एंड जो इनसाइट टीम मेम्बर्स होंगे वो सजेस्ट करेंगे एंड मोल को एक इनफ फ्रिक्शन मिलेगा कि वो अपने आप को अंडरग्राउंड तक ले जा सके। इनसाइट मिशन, इनसाइट एक पार्ट है नासाज डिस्कवरी प्रोग्राम का, जिसे कि एक एजेंसी मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर हंट्सविले अलाबामा के अंदर मैनेज कर रही है। ये फर्स्ट मिशन है जो कि मार्शियन सरफेस के डीप बीनीथ में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लैनेट के इंटीरियर को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसके हीट आउटपुट को मेजर करके एंड लिसनिंग फॉर मार्क स्क्वैक्स विच आर सिस्मिक इवेंट्स सिमिलर टू अर्थक्वेक्स ऑन अर्थ। ये सिस्मिक वेव्स को भी यूज़ करेगा विच आर जनरेटेड बाई मार्स क्वेक्स टू डेवलप अ मैप ऑफ द प्लैनेट्स डीप इंटीरियर। इस मिशन का इम्पॉर्टेंस यही है कि जो मार्स फॉर्मेशन की जो फाइंडिंग्स होंगी उससे हम समझ पाएंगे कि रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ भी ये कैसे बना एंड जो इनसाइट होगा वो मार्स मिशन से ज़्यादा होगा क्योंकि एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट एक्सप्लोरर है जो कि एड्रेस करेगा मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल इशूज़ ऑफ प्लानिटरी एंड सोलर सिस्टम साइंस। रॉकी प्लैनेट्स को पढ़ेगा, इनसाइट जो है वो डीप बीनीथ तक जाएगा मार्स के सरफेस में भी एंड डिटेक्ट करेगा फिंगरप्रिंट्स ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फॉर्मेशन एज वेल एज मेजर करेगा प्लैनेट के वाइटल साइन, उसकी जो पल्स होंगी, टेम्परेचर एंड रिफ्लेक्सेस भी। इनसाइट आंसर करेगा वन ऑफ साइंस मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस कि हाउ डिड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स फॉर्म। जो प्रीवियस मिशंस हैं मार्स के उन्होंने इन्वेस्टिगेट की है सरफेस हिस्ट्री रेड प्लैनेट की, जैसे कैनियंस, वॉल्केनोज, रॉक्स एंड सॉइल्स देख के जो सिग्नेचर हैं प्लैनेट फॉर्मेशन के वो भी पाए गए हैं बाय सेंसिंग एंड स्टडिंग इट्स वाइटल साइंस। अगर हम बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से कंपेयर करें तो मार्स ना ही इतना बड़ा है ना ही इतना छोटा है। इट मीन्स ये प्रिजर्व कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ इट्स इन्फॉर्मेशन एंड कैन गिव अस इनसाइट कि किस तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। ये एक परफेक्ट लेबोरेटरी होगी जहाँ से स्टडी किया जा सकता है कि रॉकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ। साइंटिस्ट जो है वो ये भी जान पाएंगे कि लो लेवल ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है एंड बट अ लैंडर लाइक इनसाइट कैन ऑल्सो रिवील जस्ट हाउ एक्टिव मार्स रियली इज। Now we will read about स्पेक्ट्रम रोइंटगन गामा। तो एक जॉइंट टीम जर्मन रशियन साइंटिस्ट की वो एक नया स्पेस टेलीस्कोप स्पेक्ट्रम रोइंटगन गामा लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एक 3D एक्सरे मैप है यूनिवर्स का एंड अनवील करेगा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को, डार्क एनर्जी को, स्टार्स को। इसे स्पेस में लॉन्च किया जाएगा रशियन बिल्ट प्रोटोन एम रॉकेट के अंदर, कहाँ से, बेकोनोर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान से 21 जून 2019 को।
ये 4 साल का मिशन है जो कि पूरी स्काई को सर्वे करेगा 8 टाइम्स 8 टाइम्स एंड ट्रैक करेगा इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड डार्क एनर्जी जो कि एक मिस्टीरियस रिपल्सिव फोर्स है. एंड इट ऑल्सो एम्स टू डिटेक्ट अप टू 3 मिलियन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जिसमें से काफ़ी अननोन रहेंगे एंड एक्सरेज फ्रॉम एज मैनी एज 7 लाख स्टार्स इन द मिल्की वे. जो टेलीस्कोप है इज फर्स्ट टू बी सेंसिटिव टू हाई एनर्जी हार्ड एक्सरेज एंड मैप द एंटायर स्काई. जो ऐसा जी है वो फाइंड करेगा कि किस तरीके से डार्क मैटर करता है, मेन इंजन क्या है गैलेक्सी फॉर्मेशन का. एंड इट विल नॉट डिटेक्ट द गामा रेडिएशन. जो एक्सरेज स्काई सर्वेज होंगे उन्हें कंडक्ट किया जा रहा है प्रीवियस मिशन से भी, लेकिन वो एंटायर स्काई को मैप नहीं कर पा रहे हैं. तो जर्मनी का जो रोसेट मिशन है 1990 का, वो सेंसिटिव है सॉफ्ट एक्सरेज के प्रति ही विद द एनर्जीज ऑफ अबाउट 2 kV एंड सच एज नासास चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी एंड न्यू स्टार विच कैन सी हाई एनर्जी रेडिएशन एंड रिजॉल्व टाइनी डिटेल्स ऑफ कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स बट दे सी ओनली स्मॉल पार्ट्स ऑफ द स्काई. नाउ स्पिट्ज़र टेलीस्कोप. सो स्पिट्ज़र जो स्पेस टेलीस्कोप है ये नासा का है. 30 जनवरी 2020 को ये रिटायर होने जा रहा है, ये शट डाउन होने जा रहा है क्योंकि 16 ईयर्स इसके एक्सप्लोरिंग के कॉस्मोस को जो एक्सप्लोर कर रहा था इन इंफ्रारेड लाइट वो ख़त्म हो गया है. 2020 तक जो स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप है इट विल हैव ऑपरेटेड फॉर मोर देन 11 ईयर्स बियॉन्ड इट्स प्राइम मिशन. ये अगस्त 25, 2003 को लॉन्च किया गया था सोलर ऑर्बिट में. इनिशियली इसकी जो शेड्यूल था वो 2.5 साल का था, लेकिन इसको फिर बाद में बढ़ा दिया गया. स्पिट्ज़र्स की जो डिस्कवरीज़ हैं कि प्लैनेटरी बैकयार्ड क्या है, प्लैनेट्स, अदर स्टार्स, काफ़ी कुछ बताया एंड कोलैबोरेशन के साथ काम किया इसने विद नासाज अदर ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज. तो स्पिट्ज़र जो है उसने साइंटिस्ट को हेल्प किया कि एक कम्प्लीट पिक्चर मिल पाए कॉस्मिक फिनोमेना की. स्पिट्ज़र हैज़ लॉक्ड आउट 1,06,000 आवर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइम इन द पास्ट 15 ईयर्स एंड ओल्डेस्ट गैलेक्सीज भी इसने इल्यूमिनेट की, रिवील की एक न्यू रिंग अराउंड सैटर्न एंड पियर थ्रू श्राउड्स ऑफ डस्ट टू स्टडी न्यू बोर्न स्टार्स एंड ब्लैक होल्स. जो स्पेस टेलीस्कोप है वो असिस्ट कर रहा है प्लैनेट्स को डिस्कवर करने में बियॉन्ड अवर प्लैनेट सिस्टम एंड इसके अंदर 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स का डिटेक्शन भी इंक्लूड है जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं स्टार ट्रैपिस्ट 1 को. जो नासा का स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप है ये 2003 में लॉन्च किया गया था ताकि यूनिवर्स को इंफ्रारेड रेस के अंदर समझा जा सके. एंड जो लास्ट मिशन था नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का, जिन्होंने 4 स्पेशलाइज टेलीस्कोप्स को लॉन्च किया बिटवीन 1990 एंड 2003. जो गोल है ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज का वो यही है कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें इन डिस्टिंक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट. स्पिट्ज़र फोकस करता है इंफ्रारेड रे पर जो कि नॉर्मली रिप्रेजेंट करती हैं हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स. जो अदर ऑब्जर्वेटरीज हैं विच लुकड एट विजिबल लाइट दैट इज़ हबल जो कि स्टिल ऑपरेशनल है, गामा रेज, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी टू नो लॉन्गर ऑपरेशनल, एक्सरेज जैसे कि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जो कि अभी भी ऑपरेशनल है. स्पिट्ज़र के जो हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो कॉस्मिक रेज को देख सकते हैं दैट आर हिडन फ्रॉम ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स. डस्टी स्टेलर नर्सरीज हो गई, सेंटर्स ऑफ गैलेक्सीज एंड न्यूली फॉर्मिंग प्लैनेटरी सिस्टम. स्पिट्ज़र की जो इंफ्रारेड आइज हैं वो कस्टमर्स को अलाउ करती हैं कि वो स्पेस में कूलर ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, फेल्ड स्टार्स को भी जिन्हें ब्राउन ड्वार्फ्स भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स that may hold the secret to life on other planets. Now NASA OSIRIS REx, तो US स्पेस एजेंसी NASA ने अनाउंस किया है कि ऑस्टेरॉयड प्रॉब OSIRIS REx ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है फॉर द क्लोजेस्ट एवर ऑर्बिट ऑफ प्लैनेटरी बॉडी मेड बाय अ मैन मेड स्पेसक्राफ्ट. जो रिसेंट मैन्यूवर है वो स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में रखेगा 680 मीटर्स अबव द एस्टेरॉयड बैनू सरफेस फॉर अबाउट 7 वीक्स. जो OSIRIS REx है इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर. ये 3rd मिशन होगा नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम्स का. प्रीवियसली ये न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट को भेज चुके हैं जूमिंग बाय प्लूटो एंड जूनो स्पेसक्राफ्ट को भी इनटू ऑर्बिट अराउंड जुपिटर.
नाउ व्हाई वाज बेनू चूजन, क्योंकि बेनू को चूज किया गया है ओसिरिस रेक्स मिशन के अंदर फ्रॉम ओवर 5 लाख नोन एस्टेरॉइड्स ड्यू टू इट फिटिंग अ नंबर ऑफ की क्राइटेरिया, जिसके अंदर है प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ, जो इन ऑर्डर फॉर ओसिरिस REX टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम, नासा को चाहिए कि एस्टेरॉयड फाइंड किया जाए विच हैड अ सिमिलर ऑर्बिट टू अर्थ। स्मॉल ऑस्टेरॉइड्स जिनको जो 200 मीटर से भी कम के होते हैं डायमीटर में, टिपिकली स्पिन मच फास्टर देन लार्जर एस्टेरॉइड्स एंड मीनिंग द रेगोलिथ मटेरियल कैन बी इजेक्टेड इन टू स्पेस। बेनू जो है वो 500 मीटर है डायमीटर में, सो रोटेट्स स्लोली इनफ टू इंश्योर दैट द रेगोलिथ स्टेज ऑन इट सरफेस। बेनू एक प्रिमिटिव एस्टेरॉयड है, मीन्स इट हैज़ नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज सिंस द बिगनिंग ऑफ द सोलर सिस्टम ओवर 4 बिलियन ईयर्स अगो, एंड कार्बन रिच है, मीनिंग इट मे कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच हैव बीन प्रिकर्सर्स टू लाइफ ऑन अर्थ। एडिशनली बेनू इज ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि ये एक पोटेंशियली हैजार्डियस एस्टेरॉयड भी है, एंड हर 6 साल में जो बेनू का ऑर्बिट है वो 2 लाख माइल्स ऑफ द अर्थ के अंदर आ जाता है, सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्थ को इम्पैक्ट कर सकता है इन लेट 22 सेंचुरी। नाउ इसरोज़ परमानेंट स्पेस स्टेशन, तो ISRO जो है वो एक प्रोलॉन्ग्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट एंड काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है स्पेस के अंदर, तो उसको परमानेंट स्टाफ चाहिए एंड फैसिलिटी चाहिए स्पेस मिशन से रिलेटेड। जो नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वही सिर्फ फंक्शनल है राइट नाउ, जो स्लेट हो जाएगा रिटायर हो जाएगा 2025 में, एंड 2028 तक कोई रिप्लेसमेंट भी कन्फर्म नहीं है। इंडियन स्पेस स्टेशन एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो ऑर्बिट में रख दी जाती है एंड लॉन्ग टर्म बेस के लिए यूज़ होती है। इसको स्टेशन किया जाता है अर्थ से 400 किलोमीटर की हाइट पे, एंड जो प्रपोज्ड इंडियन स्पेस स्टेशन है वो सिमिलर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, बट काफ़ी छोटा है उससे एंड सिर्फ 20 टन का ही है, एंड 5 to 7 ईयर्स ले सकता है और कंस्ट्रक्ट करने में भी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लार्ज स्पेसक्राफ्ट है ऑर्बिट के अंदर अराउंड द अर्थ, एक होम की तरह काम करता है जहाँ पे जो क्रूज हैं एस्ट्रोनॉट्स के एंड कॉस्मोनॉट्स वो रहते हैं वहाँ पे। ये एक यूनिक साइंस लैबोरेटरी है एंड काफ़ी सारे नेशंस इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ताकि स्पेस स्टेशन को बनाया जा सके, यूज़ किया जा सके। स्पेस स्टेशन इज़ मेड ऑफ पार्ट्स दैट वर असेंबल्ड इन स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट्स, एंड ये ऑर्बिट करता है अर्थ को एट एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 माइल्स, ट्रैवल करता है एट 17,500 mph। इसका मतलब ये अर्थ को ऑर्बिट करता है एवरी 90 मिनट्स। नासा स्पेस स्टेशन को यूज़ कर रहा है टू लर्न मोर अबाउट लिविंग एंड वर्किंग इन स्पेस। ये जो लेसन्स हैं इससे पॉसिबल होगा कि ह्यूमंस को और ज़्यादा समझा जा सके इन टू स्पेस देन एवर बिफोर। कितना पुराना है स्पेस स्टेशन, जो फर्स्ट पीस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। रशियन रॉकेट लॉन्च द रशियन जारिया कंट्रोल मॉड्यूल, एंड 2 हफ्तों के बाद जो स्पेस शटल एंडेवर जहाँ था वो जारिया को मिला ऑर्बिट में, एंड स्पेस शटल वॉज कैरिंग द US यूनिटी नोड। क्रू भी अटैच था यूनिटी नोड से टू जारिया, एंड काफ़ी सारे पीसेस को ऐड किया गया अगले 2 साल तक भी, इससे पहले कि स्टेशन जो था वो रेडी होता लोगों के वहाँ रहने के लिए। पहला क्रू 2 नवंबर 2000 को आया, एंड जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वहीं से काफ़ी सारे पीसेज उसके बाद उसमें और ऐड किए गए। नाउ कितना बड़ा होता है इस स्पेस स्टेशन, एक 5 बेडरूम हाउस होता है, 747-2 बोइंग 747 जेट लाइनर्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं क्रू ऑफ 6 पीपल प्लस विजिटर्स, एंड अर्थ पे जो स्पेस स्टेशन है वो मिलियन पाउंड्स का होता है, मेजरिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ इट्स सोलर एरेज। जो स्टेशन है वो एक फुटबॉल फील्ड के एरिया को कवर करता है इंक्लूडिंग द एंड जोन्स। इसके अंदर लेबोरेटरी मॉड्यूल्स भी हैं USA, रशिया से, जापान से एंड यूरोप से। स्पेस स्टेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ऑनगोइंग प्रेजेंस हो स्पेस के अंदर एंड थोड़ा समझा जा सके, एवरीडे लाइफ में ज़रूरी है, एंड नासा जो है वो करंटली काम भी कर रहा है टू एक्सप्लोर द अदर वर्ल्ड्स। तो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नोवा स्पेस स्टेशन है, फॉलोड बाय सोवियत एंड लेटर रशियन सल्यूत, अलमाज एंड मीर स्टेशन एज वेल एज स्काईलैब फ्रॉम द US। जो ISS प्रोग्राम है ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज के अंदर, दैट इज़ नासा, रोस्कोसमोस, जाक्सा, ESA एंड CSA। जो ओनरशिप एंड जो यूज़ है स्पेस स्टेशन का उसे इस्टेब्लिश किया है इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स ने। जो स्टेशन है वो डिवाइडेड है 2 सेक्शंस के अंदर, दैट इज़ रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट, विच इज़ शेयर्ड बाय मैनी नेशंस।
नाउ वी विल रीड अबाउट लूनर एक्सकेवेशन सिस्टम। तो अमंग प्रिपरेशंस, नासा के जो 2024 मून मिशन के प्रिपरेशन के साथ साथ एक और डिवाइस टेस्ट होने जा रही है, दैट इज लूनर एवेक्यूएशन सिस्टम असेंबली और लीसा। इसे डेवलप किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। लीसा एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका पर्पस यही है कि एस्ट्रोनॉट को बचाया जा सके ताकि लूनर सरफेस पे कोई इंजरी सफर ना हो। लीसा को ऑपरेट किया जाता है एक सिंगल एस्ट्रोनॉट के द्वारा टू रेस्क्यू अ फॉलन कलीग, एंड ये एस्ट्रोनॉट को इनेबल करता है कि वो क्रू मेट को इनेबल कर सक ऊपर उठा सकता है ऑन टू अ मोबाइल स्ट्रेचर 10 मिनट के अंदर अंदर बिना कोई सेफ्टी कैरी किए हुए ऑफ अ नियर बाई प्रेशराइज लैंडर। नाउ मिथेन ऑन मार्स, नासा की जो क्यूरियोसिटी है कि हाई अमाउंट्स ऑफ मिथेन है मार्स पर, उसे और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई है रेड प्लैनेट के बारे में जानने के लिए, एंड ये कन्फर्म किया कि मिथेन हैड फॉलन बैक टू यूजुअल लेवल्स। ये वेरिएशन किसकी वजह से हुई, क्योंकि जब ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मिथेन होती हैं तो वो एक ट्रांजिएंट मिथेन प्लूम की तरह काम करती हैं, एंड क्यूरियोसिटी अनफॉर्चुनेटली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है डिटरमाइन करने में कि जो सोर्स ऑफ मिथेन है वो बायोलॉजिकल है या जियोलॉजिकल है। साइंटिस्ट अभी भी इसको फिगर आउट कर रहे हैं। मिथेन है क्या? अर्थ पर जो मिथेन है CH4, ये एक नेचुरली अकरिंग गैस है। ज़्यादातर जो मिथेन होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर प्रोड्यूस होता है, कुछ माइक्रोब से, कुछ अंडरग्राउंड नेचुरल गैस से, एंड जो काफ़ी सारे मिथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं ऑफ प्लांट्स स्पेशली काउज। मिथेन को प्रोड्यूस किया जा सकता है अबायोटिक प्रोसेस के थ्रू भी, एंड ये भी फाउंड किया गया कि वो काफ़ी सारी फॉर्मेशंस के अंदर रहता है जैसे कि रॉक्स, स्प्रिंग्स, एक्वेफर्स, एंड स्टडीज़ ने ये कंक्लूड किया कि ये फॉर्म हुआ था वहाँ पर ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एट लो टेम्परेचर। एक बार एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद जो मीथेन है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। मीथेन के जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं अर्थ पे वो 1800 पार्ट्स पर मिलियन है। सिग्निफिकेंस क्या है डिस्कवरी का ऑन मार्स? तो सिंस द टाइम द गैस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन मार्स, इट हैज़ बीन कंसीडर्ड अ पोटेंशियल बायो मार्कर। साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि वो सोर्स ऑफ गैस को डिटेक्ट भी करेंगे, एंड इस प्रोसेस में जो क्ल्यूज हैं दैट माइट पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द रेड प्लैनेट। डिटरमाइन करना कि जो प्ल्यूम्स हैं वो लोकेटेड हैं मार्स पर या नहीं, तो साइंटिस्ट को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन प्ल्यूम्स की कंबाइंड विद कोऑर्डिनेटेड मेजरमेंट्स फ्रॉम अदर मिशंस। नासा की क्यूरियोसिटी एक कार साइज रोबोटिक रोवर जो एक्सप्लोर करता है गैल क्रेटर को ऑन मार्स एज पार्ट ऑफ नासाज मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन। रोवर्स के गोल्स क्या होंगे? इन्वेस्टिगेशन करना मार्शियन क्लाइमेट एंड जियोलॉजी को, असेसमेंट करना कि जो सिलेक्टेड फील्ड साइट है इनसाइड गैल क्रेटर क्या वो एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल बनाती हैं माइक्रोबियल लाइफ के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना रोल ऑफ वाटर को एंड प्लानिटरी हैबिटेबिलिटी स्टडीज़ को फॉर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। नाउ फैल्कोन हैवी लॉन्च, तो एलोन मस्क स्पेस एक्स ने रिसेंटली लॉन्च किया है फैल्कोन हैवी स्पेस क्राफ्ट ऑन इट्स थर्ड मिशन, एंड जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन है इज येट बाय द कंपनी। काफ़ी सारे रीजंस में से कि मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, एक जो पेलोड था कि 24 सैटेलाइट्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज। तो पेलोड्स जैसे कि डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक जिसे नासा ने सेंड किया था एंड उसके कोलेबोरेटर्स ने, डी सैक ने एक्सपेक्ट किया कि स्टेबल रहेगा टू बेटर देन 1 माइक्रोसेकेंड पर डिकेड, एंड ये टेक्नोलॉजी टारगेट कर रही है कि स्पेस क्राफ्ट को हेल्प होगी नेविगेट बाय देमसेल्व्स रिलाइंग ऑन द न्यू एटॉमिक क्लॉक इन स्पेस। एस्किंट ग्रीन फ्यूल एक सेफर रॉकेट फ्यूल है एंड ट्रेडिशनल फ्यूल की तरह ना होके विच इज़ हाइड्रोजन, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है टू ह्यूमंस एज वेल एज द एनवायरनमेंट। जो न्यू अल्टरनेटिव है उसको एस्किंट कहा गया है, दैट इज़ एडवांस्ड स्पेस क्राफ्ट एनर्जेटिक नॉन टॉक्सिक प्रोपेलेंट, जिसको AFM315E भी कहा गया, जो कि एक हाइड्रोक्सिल अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल या फिर ऑक्सीडाइजर ब्लेंड है। इसको सबसे पहले डेवलप किया था US एयर फोर्स ने, एंड अब ये पार्ट है नासा लेड कोलैबोरेशन एस्केंट का, एंड एसेंट पता नहीं क्या बोलेंगे लेकिन एस्केंट ही बोलेंगे क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड नहीं है, बल्कि इसको ये एक फ्यूल है जो कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है टॉक्सिटी लेवल्स को कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड पोटेंशियली शॉर्टर लॉन्च प्रोसेसिंग टाइम्स रिजल्टिंग इन लोअर कॉस्ट।
तो सोलर पावर्ड सेल जो लाइट सेल 2 है वो भी एक क्राउड फंडेड सोलर सेल प्रोजेक्ट है फ्रॉम द प्लानिटरी सोसाइटी। एंड इट्स जो सोलर पावर्ड सेल है ये फर्स्ट ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट भी होगा टू बी प्रोपेल्ड सोलली बाय सनलाइट। जो लाइट सेल 1 स्पेसक्राफ्ट है इसने सक्सेसफुली अपनी टेस्ट फ्लाइट भी कंप्लीट कर ली है। तो ये कुछ साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड आई नो, देखिए मुझे ये पार्ट सबसे टफ लगता है, आपको कौन सा पार्ट टफ लगता है आप लिख कर बताइएगा, बट साइंस मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। नाउ वी विल रीड अबाउट अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो BT कॉटन रिसेंटली 1,000 फार्मर्स जो थे अकोला ऑफ महाराष्ट्र में, उन्होंने अनअप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जो कॉटन की वो उसको बो रहे थे। एंड गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या प्लांट किया गया है, तो क्या अलाउड है। BT कॉटन सिर्फ एक ऐसी GM क्रॉप है अलाउड टू बी कल्टिवेटेड इन द कंट्री। इसे US जियांट बेयर मोनसेंटो ने बनाया था। इसके अंदर 2 जीन्स हैं, दैट इज CRY1AB एंड CRY2BC फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थरंग जीनेसिस इन टू कॉटन सीड्स। ये मॉडिफिकेशन प्लांट को कोड करता है कि वो प्रोटीन बनाए टू प्रोड्यूस प्रोटीन टॉक्सिक टू हेलोथिस बॉलवॉर्म, पिंक बॉलवॉर्म, दस मेकिंग इट रेजिस्टेंस टू देयर अटैक। जो कॉमर्शियल रिलीज होता है हाइब्रिड का उसे सैंक्शन करती है गवर्नमेंट इन 2002। नाउ रोल ऑफ GEAC इंडिया के अंदर, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट इंडस्ट्री में कि वो देखें कि कितनी सेफ्टी है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की एंड डिसाइड करें कि क्या वो कल्टीवेशन के लिए फिट है या नहीं है। GEAC के अंदर एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड अ डिसीजन इट टेक्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्टर बिफोर एनी क्रॉप इज अलाउड फॉर कल्टिवेशन। BT कॉटन के अलावा ब्रिंजल एंड मस्टर्ड जो हैं वो भी हैं, लेकिन उनको एनवायरनमेंट मिनिस्टर का कंसेंट नहीं मिला है। कंसर्न क्या है, जो फार्मर्स हैं अकोला के अंदर उन्होंने हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ BT कॉटन प्लांट की, ये जो वैरायटी है इसके अंदर दूसरा जीन भी डालना होता है दैट इज CP4EPSPS अनदर सॉइल बैक्टीरियम से दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टमी फेशियंस। एंड इसे GEAC ने क्लियर नहीं किया। फार्मर्स ने क्लेम किया कि HTBT जो वैरायटी है वो विदस्टैंड करती है द स्प्रे ऑफ ग्लाइफोसेट अ हर्बिसाइड दैट इज यूज टू रिमूव वीड्स एंड दैट इज सब्सटेंशली सेव्स देम फ्रॉम डीवीडिंग कॉस्ट। कंसर्न क्या है, जो जेनेटिक चेंजेस प्लांट के अंदर होते हैं उससे काफ़ी वो अनसेफ हो जाते हैं कंजम्पशन के लिए एंड एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमन पर, एनिमल हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आती हैं सॉइल एंड नेबरिंग क्रॉप्स के अंदर। लॉ क्या कहता है, लीगली सेल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूसेज ऑफ अनअप्रूव्ड GM सीड्स एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द रूल्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989। अगर अनअप्रूव्ड सीड्स की सेल होती है तो उससे भी एक्शन लिया जा सकता है अंडर द सीड्स एक्ट ऑफ 1966 एंड द कॉटन एक्ट ऑफ 1957। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये जेल भी देता है 5 साल की एंड 1 लाख रुपए का फाइन भी है एंड केसेस को फाइल करना होता है अंडर द 2 एक्ट्स। नाउ इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, जो इंटरनेट कॉरपोरेशन है फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स एंड नैसकॉम ने अनाउंस किया है कोलेबोरेशन फॉर वर्किंग इन डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स एंड आइडेंटिफायर टेक्नोलॉजी दैट विल फीड इन टू द ग्लोबल कंसल्टेशन फॉर मैनेजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग इंटरनेट। ICANN एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप की गई थी 1998 में ताकि डोमेन नेम्स के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जा सके। स्मूथ एंड सिक्योर फंक्शनिंग देखते हैं ये साइबरनेटिक फ्रेमवर्क की, जो ग्लोबल नेचर है वेब का, क्योंकि कॉन्स्टेंटली डोमेन नेम्स बढ़ रहे हैं, होस्ट नेम्स, IP एड्रेसेस, वेबसाइट्स, तो ICANN उनको ओवरसी करता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को, अप्रूवल देता है कंपनीज को एंड अगर कोई एडिशन हो रहा है न्यू टॉप लेवल डोमेन्स का, कोऑर्डिनेट करता है टेक्निकल पैरामीटर्स को एंड क्रिएट करता है एक यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी फॉर कॉम्पीटिंग डोमेन नेम्स। नाउ नम कोल्हापुरी चप्पल गेट्स GI बूस्ट, तो जो नम कोल्हापुरी है चप्पल उसको भी GI बूस्ट मिल चुका है। जो अप्रूवल है GI टैग का वो जॉइंटली रिसीव किया कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ने इन चप्पल्स को बनाने के लिए। एंड ये परसेप्शन है कि जो आर्टिशंस हैं सिर्फ महाराष्ट्र से एंड काफ़ी उनमें से कर्नाटक से ही हैं, वही सिर्फ इस चप्पल्स को बना रहे हैं फॉर सेंचुरीज। जो ये लेदर
चप्पल्स हैं ये हैंडक्राफ्टेड है एंड टैंड है यूजिंग वेजिटेबल डाइस। तो ये जो आर्ट है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। तो जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग बेसिकली एक एग्रीकल्चर नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो कि ओरिजिनेट होता है किसी डेफिनाइट ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उससे उसकी क्वालिटी, डिस्टिंक्टिवनेस पता चलती है, प्लेस ऑफ ओरिजिन पता चलती है। एक बार जीआई टैग किसी को मिल जाता है तो कोई दूसरा प्रोड्यूसर उसका नाम मार्केट में यूज़ नहीं कर सकता। इससे कस्टमर्स को भी फायदा होता है कि उनको प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी रहती है। जीआई को कवर किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर अंडर पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जीआई को गवर्न करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिया के अंदर जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं ऑफ गुड्स दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इसको गवर्न करता है। जो कंट्रोलर जनरल हैं पेटेंट्स के, डिज़ाइंस के एंड ट्रेडमार्क्स के जो अपॉइंट हुए हैं अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 वो रजिस्ट्रार होंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकता है जो उन्हें ज़रूरी लगे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग अंडर द सुपरिनटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। जो फंक्शंस होंगे रजिस्ट्रार के वो टाइम टू टाइम ऑथोराइज होंगे टू डिस्चार्ज। नाउ डीएनए टेक्नोलॉजी बिल कैबिनेट ने ये क्लियर कर दिया है एंड रीइंट्रोडक्शन था। पहले लोकसभा ने पास कर दिया था जनवरी में लेकिन राज्यसभा का अप्रूवल नहीं मिला था तो लैप्स्ड हो गया था वंस द टेन्योर ऑफ प्रीवियस लोकसभा एक्सपायर्ड लास्ट मंथ। जो यूटिलिटी है डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ की क्राइम सॉल्व करने की, मिसिंग पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने की, तो जो न्यू बिल है वो एक्सपेंड करेगा एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बेस्ड फोरेंसिक टेक्नोलॉजीज ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन किया जा सके। बिल के अकॉर्डिंग जो नेशनल और जो रीजनल डीएनए डाटा बैंक्स होंगे वो सेटअप किए जाएंगे ताकि एक नेशनल डाटा बेस बनाया जा सके अगेन विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। पनिशमेंट 1 लाख रुपये होगी। यूसेज जो है बिल के अकॉर्डिंग जितना भी डीएनए डाटा है, डीएनए प्रोफाइल, सैंपल्स, रिकॉर्ड्स, वो यूज़ किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस के लिए एंड और किसी पर्पस के लिए नहीं। जो बिल के प्रोविजंस हैं वो इनेबल करेंगे क्रॉस मैचिंग बिटवीन पर्संस हु हैव बीन रिपोर्टेड मिसिंग ऑन द वन हैंड एंड दूसरी तरफ कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हों। जो बिल है वो एक डीएनए रेगुलेटरी बॉडी भी बनाएगा ताकि डीएनए लेबोरेटरीज को भी एक्रेडिट किया जा सके ताकि डीएनए सैंपल्स को एनालाइज करें एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल इस्टेब्लिश रहे। मैंडेटरी एक्रेडिटेशन एंड रेगुलेशन के बाद जो बिल है वो इंश्योर करेगा कि प्रपोज्ड एक्सपेंडेड यूज़ हो टेक्नोलॉजी का। तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए एनालिसिस काफ़ी यूजफुल एंड काफ़ी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है। प्रोन टू मिसयूज जो इन्फॉर्मेशन होगी डीएनए सैंपल से, कभी कभी ये सिर्फ नहीं रिलीज़ करेगा कि कैसा पर्सन लुक करता है बल्कि उनका आई कलर एंड स्किन कलर क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा इंट्रूसिव इन्फॉर्मेशन होगी एंड इससे काफ़ी ग्रेटर रिस्क भी है कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। इशूज़ विद द बिल्स, रिटन कंसेंट हर बार चाहिए एंड जो कलेक्शन होगी डीएनए सैंपल्स की वो सिर्फ सिविल मैटर्स में है। कंसेंट बिल ने ये भी नहीं कहा कि स्टेट नहीं किया कि जो कंसेंट होगी वो वॉलंट्री होनी चाहिए। स्टोरेज पर इश्यूज़ हैं, अगर स्टोर किया गया तो क्या कैस्केड्स के प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि बिल डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंफॉर्मेशन कंसेंट एंड अपील्स। अगर पर्सन का डीएनए डाटा एंटर हो गया डाटा बैंक में तो कोई पर्सन स्पेसिफाइड नहीं होगा बाय विच दे कैन हैव इट रिमूव्ड एंड राइट टू प्राइवेसी को भी ये वायलेट करता है। सेफ्टी इशूज़ भी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ को देखना होगा एंड जो ओनर्स होंगे सैम्पल्स के उन्हें इंश्योर करना होगा कि डाटा सेफ रहे एंड नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम देयर ओन इंडाइसेस। ठीक है, तो ये आप एक बार और खुद से पढ़ लीजिएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट फोर्टिफाइड राइस। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम ऑन द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू PDS वो अप्रूव कर दिया है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 90% तक दी गई है नॉर्थ ईस्टर्न हिली एंड आईलैंड स्टेट्स में एंड 75% बाकी स्टेट्स में। राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉन्टेंट बढ़ाया जाता है, विटामिन का, मिनरल का, ताकि
न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़े। राइस फोर्टिफिकेशन क्यों? क्योंकि राइस एक इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है, 2 बिलियन पीपल इसे डेली खाते हैं। तो मेन स्टे है डाइट्स का एशिया एंड अफ्रीका के अंदर। जो रेगुलर मिल्ड राइस होता है उसके अंदर इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते एंड उससे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन राइस के फोर्टिफिकेशन से न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसमें विटामिन ए, B1, B12, फॉलिक एसिड, आयरन एंड जिंक सभी होते हैं। तो फूड सेफ्टी FSSAI जो है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन लाना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2016 के अंदर, ताकि इसको बनाया जा सके। नाउ वी विल रीड सम टॉपिक्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सेल्फी विद सैपलिंग। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक कंपेन लॉन्च किया कि सेल्फी लीजिए विद सैपलिंग, एंड इसे सोशल मीडिया पर भी एडवोकेट करने की मतलब रिक्वेस्ट की लोगों को कि इसको फैलाएं। इस कंपेन के अंदर जो पीपल हैं वो एक सैपलिंग को बोएंगे एंड सेल्फी लेंगे उसके साथ एंड सोशल मीडिया पर उसको मतलब भी पोस्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो जब आपका मई में पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स का, तो उससे 5 दिन बाद मनाया जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस डे पर कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट्स एक साथ काम करते हैं एंड ये पार्ट है UNEP का। जो थीम थी 45th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो थी बीट एयर पॉल्यूशन, ताकि जो ग्लोबल क्राइसिस है फ्रेश एयर का उसको ख़त्म किया जा सके, एंड होस्ट था चाइना। नाउ इंडियाज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नीड्स टू प्रायोरिटाइज पॉल्यूशन कंट्रोल CSE स्टडी। तो इंडियन फर्टिलाइजर स्टडी जो है वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को ओवरलुक कर रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। एंड एक मतलब स्टडी कंडक्ट की किसने? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने, एक न्यू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट है अंडर इट्स ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने क्लासिफाई किया कि जो रेड कैटेगरी है वो पॉल्यूटिंग सेक्टर्स के लिए है बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाटर पॉल्यूशन डिस्चार्ज करना अनट्रीटेड या फिर पार्शली ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। एंड BIS ने ये भी कहा कि इससे अमोनिया, जो काफ़ी सारा जो ग्राउंड वाटर सैंपल है पाया गया कि उसमें लिमिट्स ऑन अमाउंट ऑफ अमोनिया, एंड BIS के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट है वो 0.5 PPM रहनी चाहिए, लेकिन 83% ग्राउंड वाटर के अंदर, जो कि हैंडपम्प से भी पानी कलेक्ट किया गया 18 प्लांट साइट्स के अंदर भी, उसके अंदर 0.51 से 93.5 पाई गई, अपर लिमिट जबकि 187 है। तो ऐसा हाई लेवल ऑफ कंटामिनेशन है जिसकी वजह से बहुत प्रदूषित पानी हो गया है। 57% जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए गए 14 प्लांट से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट OEF से, एंड जो कुछ प्लांट्स हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं देयर वेस्ट वाटर विद फ्रेश वाटर टू मीट पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। नाउ एयर पॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होगा, कोई भी ऐसे अनडिजायरस सब्सटेंस, डिजायरेबल एलिमेंट्स जो हमारी एयर के अंदर मिल जाते हैं विच आर नॉट गुड, एंड कोई भी रेगुलेशन नहीं है इंडिया में पैरामीटर्स के लिए, जैसे कि गैसियस अमोनिया जो है वो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एमिट हो रही है। सो थिंग्स हैव टू बी डन टू सॉर्ट आउट दिस। नाउ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड और जो हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के, वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि अपने हजार्डियस वेस्ट को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे नोटिस रिसीव करने के बाद भी, तो उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। नाउ स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2019, तो इंडिया एनवायरनमेंट 2019 की जो स्टेट है वो एक एक्सक्लूसिव डाटा ड्राइवन एनालिसिस है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे गए, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेटस ऑफ एयर। तो एयर पॉल्यूशन 12.5% रही, 12.5% डेथ एयर पॉल्यूशन की वजह से हुए हैं। बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर है, 1 लाख बच्चे 5 एज से कम वो डेथ हो गई उनकी। इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज है जहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का पूरा फेज आउट है, एंड जो टारगेट यही है कि 2020 तक जो 15 to 16 million ई व्हीकल्स हैं वो अगेंस्ट, मतलब इसके अगेंस्ट है, ताकि जो सेल हो ई व्हीकल्स की इज़ येट टू पिकअप, तो ताकि ये थोड़ा मंस अच्छा रहे। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, इसका देखिए मतलब यही है अगर मैं आपको बहुत ही सीधे साधे शब्दों में बताऊं, क्योंकि इंडिया जो है उन कंट्रीज़ में से एक है जो नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, कि जो इलेक्ट्रिसिटी से ना चले, उसको फेज आउट करने के लिए प्लेज लिया हुआ है। नाउ ये जो नेशनल स्कीम है टू प्रोमोट द सेल ऑफ ई व्हीकल्स इज येट टू पिकअप, तो ये स्कीम को लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर टारगेट चाहिए कि 2020 तक हमारे पास 15 से 16 मिलियन ई व्हीकल्स हों, तो उसके लिए कंट्री को 0.28 मिलियन व्हीकल्स अभी हैं मई 2019 तक, तो कैसे अचीव होगा।
नाउ डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है. 13 सस्टेनेबल डेवलप हमें यूनियन डेवलपमेंट यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव करना है. स्टेटस ऑफ वाटर ये आप देखें, कर्नाटका तेलंगाना केरला बहुत पॉल्यूटेड वाटर है यहाँ पर. देन आपका लैंड एंड एग्रीकल्चर, इसको आप थोड़ा रिटर्न नोट्स बना लें क्योंकि ये थोड़ा लर्निंग ही है. स्टेट ऑफ सिटीज़, वेस्ट, एनर्जी, इसके आप रिटर्न नोट्स बना के इसको एक बार रीड कर लें. नाउ आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ गुजरात लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम टू कॉम्बैट पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन. तो गुजरात ने अपना पहला ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 पर, एंड एयर पॉल्यूशन ही थीम रहा. ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट देखता है कि किस तरीके से एमिशन को रोका जाए, एंड इस ये सूरत में बेस्ड है. गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे बनाया. गुजरात का प्रोग्राम पहला है इन द वर्ल्ड टू रेगुलेट पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन. तो थैंक यू सो मच. आई होप प्रोलीफ्रेशन ऑफ कैल्प्स इन द आर्कटिक हम कल करेंगे, तो इसका एक वीडियो और आएगा एंड 24 पेजेस ही रह गए हैं. और अगर हो सकेगा तो एक बार आप इसको खुद से रीड कर लें. मैं आपको ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट इसका डाटा भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगी. प्लीज़ वीडियो को शेयर करें. थैंक यू सो मच. मेहनत करते रहें एंड थैंक यू.